बागेश्वर धाम के मुखिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बोलने का अंदाज बड़ा ही चुटीला है। वायरल हो रहे एक वीडियो में पंडित जी कह रहे हैं कि एक महिला उनके चेहरे पर ही नारियल फेंक दी थी, इससे उनकी नाक लाल हो गई थी और वे रात भर परेशान रहे थे। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रवचन के दौरान बताएं कि कैसे कैसे भक्त उनसे टकरा जाते हैं। वीडियो देखकर लग रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री उस समय पूरी तरह मजाकिया मूड में थे। उन्होंने कहा कि कुछ भक्त फूलमाला चढ़ाते हैं, लेकिन एक तो संत महाराज चाकू चढ़ा नहीं आ गए, अब भक्त हैं तो इन्हें मना नहीं कर सकते हैं। कल की ही बात ले लीजिए, एक माता जी आई और उन्होंने हमारे मुंह पर नारियल फेंक कर मार दिया, नारियल नाक पर लगा और हम पूरी तरह रात भर परेशान होते रहे, बार बार बाम लगाई। जब हमने उनसे पूछा कि नारियल फेंक कर क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अर्जी चढ़ाई है। इस दौरान पंडित तो शास्त्री अपने सुरक्षा कर्मियों पर भी चुटकी लेने से नहीं चूके। बाबा ने कहा कि एक बार एक आदमी हमारे पास आया और बोला कि बाबा मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। हमने कहा बन जाओ, क्या दिक्कत है, एक जगह लड़ाई हो गई, हमें ही उन्हें बचाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि क्या काम करते हो, तो कहते हैं कि गुरुजी की सिक्योरिटी में है, इन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, ये भक्तों को तभी धक्का देते हैं जब कोई फूल चढ़ाने आए, लेकिन देख लीजिए कोई काजू का फक्का मार रहा है तो कोई मोबाइल देखने में व्यस्त है। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों की तारीफ भी की, ये लोग ही हमारा ध्यान रखते हैं।